कंस्ट्रक्शन कंपनी में एक चोरी का मामला आया है, किस तरह की चोरी थी और ये कौन लोग थे जो पकड़े गए? ये सैमसंग कंपनी जो थाना फेस टू के अंतर्गत आती है, इसमें सैमसंग के ही अधिकारी के द्वारा ये मुकदमा दर्ज कराया गया है और इसमें 381/411 IPC का मुकदमा विकास यादव नाम के उनके अधिकारी जो उन्होंने दर्ज कराया है अपने ही 5 कर्मचारियों के विरुद्ध में, जिनको उन्होंने चोरी के करीब 320 चार्जर के साथ उन्होंने उसको पकड़ा है। थाने पे सूचना दी, इस संबंध में मुकदमा दर्ज करके 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके और आज जेल भेजा जा रहा है। सभी 320 चार्जर बरामद कर लिए गए हैं, विवेचना भी जारी है। क्या कुछ बताया कि ये लोग कब से चोरी कर रहे थे? नहीं, ये लोग वहाँ काम करते थे और उनके जो उन्होंने सूचना दी या बताया है उसके हिसाब से ये है कि वो पिछले कुछ समय से उन्हें इस तरह की शिकायत या जानकारी मिल रही थी जिसके संबंध में उनके द्वारा छानबीन की गई थी। तो ये 5 कर्मचारी रंगे हाथों पकड़े गए हैं, जिसमें उनके साथ चार्जर भी बरामद हुए हैं, जिसके संबंध में उनके द्वारा थाने पर सूचना और मुकदमा पंजीकृत कराया गया है।